जय श्री राधे। क्या आप भी अपना भाग्यांक मालूम करना चाहते हैं कि आपका भाग्यांक क्या है? वो अंक जो आपके भाग्य से संबंधित है और आपको आपके भाग्य को चमकाने की क्षमता रखता है और आप उससे प्रेरित हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस खास अंक को हम कैसे पता करें। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं आपका भाग्यांक, जैसे मान लो किसी भी महीने की किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ हो, किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ, किसी भी साल में आपका जन्म हुआ हो, इसके आधार पे आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो आपकी जन्म 10 तारीख को हुई हो, तो आपने 1 प्लस 0, 11 को हुई हो तो 1 प्लस 1 कर लियो। किसी भी मंथ में हुई हो, मतलब 7th मंथ में हुई हो, तो बस 7 लिख देना। 1990 में हुई हो तो क्या करना है? 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0, ठीक है? ए ऐसे सब में ऐसे ही कर लेना है प्लस प्लस। और जब सबको प्लस कर लोगे तो फिर आपस में इसने जोड़ लेनी है, जैसे 1 1 प्लस 1 यानी 2 2 प्लस 1 3, ठीक है? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 कितना हो गया? 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21, 21 प्लस 9 इक्वल टू 30। तो ए हो गई आपकी 30। अब इसमें क्या करना है? इसे भी प्लस कर देनी है। नाउ 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो ए हो गया आपका भाग्यांक। उसी तरीके से आप अपनी डीओबी के आधार पे अपना भाग्यांक जान सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि अगर आपने भाग्यांक अपना जान लिया है तो अब जाने कि उसके क्या मतलब है। और आज का हमारा जो भाग्यांक का टॉपिक है वो है 2। आज हम भाग्यांक 2 के बारे में जानने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना था भाग्यांक 1 के बारे में। तो दोस्तों, भाग्यांक 2, जैसे भाग्यांक 1 का स्वामी सूर्य था, उसी तरीके से भाग्यांक 2 के स्वामी चंद्रमा है। और ये चंद्रमा से प्रेरित चिन्ह है। अब आप जानेंगे इनके प्रभावों के बारे में, इनकी खूबियों के बारे में, इनकी वीकनेस के बारे में। दोस्तों, जैसे चंद्रमा शीतल होता है, उसी प्रकार से ऐसे लोग सामान्य रूप से बहुत ही शीतल प्रकृति के होते हैं। ये अलग बात है कि चंद्रमा की तरह ही चंचलता इन पे हावी होती है। बहुत ही ज़्यादा लुभावने लोग अपने बातों से, अपने कर्म से, किसी भी प्रकार से आपका मन मोह लेने की क्षमता इनमें होती है। भावुकता कुट कुट के भरी होती है। हर एक छोटी सी बात पे आंखों से कुछ अश्क जरूर ही निकल आते हैं। सेंसेटिव इतने कि पूछो ही मत। मेंटली निश्चित रूप से बहुत मतलब कार्य कुशल होते हैं। चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की इनमें क्षमता होती है, लेकिन जीवन में संतुष्टि कभी इन्हें प्राप्त नहीं होती। जितना मिलता है उतनी और ख्वाहिश बाकी रह जाती है। बहुत बार चाहते हैं कि हम संतोष कर ले, लेकिन चंद्रमा से होना आप नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। गलती से कभी अगर पैसे चले गए हाथ से, या किसी भी तरीके से आपको फिनंशियली आप अगर बैक हो गए, आपको घाटा हो गया, तो ये तो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप सामान्य रूप से हमेशा अच्छी प्रकार से लोगों से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन कब? जब आपके अपने घर में सब ठीक हो। जैसे ही फिनेंशियली कुछ ऊपर नीचे होता है, आपका मूड हमेशा ऑफ रहने लगता है। उसके बाद आपकी सारी सारी प्रॉब्लम आपके साथ आनी शुरू हो जाती है। और इस दरमियान आप निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के निशाने पे होते हो जो आपका फायदा उठा सके, बचने की कोशिश करे। वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जल से संबंधित कार्य, राशन पानी वगैरह से संबंधित कार्य आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ज्वेलरी का कार्य कर सकते हैं। आपके लिए एक मैं एडवाइस करूँगा, सिल्वर रिंग निश्चित तौर पे आपको पहननी चाहिए, फायदेमंद है। इसके अलावा डिटेल्स के लिए पाम एनालिसिस आवश्यक होती है। इसके अलावा एक चीज़ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा जो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी, वो है आप लोग सुबह की सैर निश्चित तौर पे करें। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के आप सैर करें, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है? और अपनी जो भी सीक्रेट बातें हैं या जो भी निजी बातें हैं, प्लीज़ प्लीज़ किसी के साथ वो शेयर कभी ना करें। आप लोगों का ये शेयर करना आप लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा जीवन में, ठीक है? तो चलिए, आज आपने जाना भाग्यांक 2 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे भाग्यांक 3 के बारे में। थैंक यू।